जनता के जो चंद्रपुर है उन्होंने भी आया लोग उनका चलेगा और हमें भी दिखाई दे रहा जैसे सरकार की सरकार की बड़ा बाका जो हरा जो ये हम अपील है क्या हरा हो एक मिनट बाका जो सबसे पहले सभी को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं नमस्कार कंवर जी, लगातार इस किसान आंदोलन से एक आंगनवाड़ी की नेता होने की वजह से नहीं जुड़ी, मैं एक किसान परिवार की बेटी हूं, एक किसान परिवार की बहू हूं, तो मेरी ये एक निजी जिम्मेवारी बनती है कि जहां हम अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं उनके लिए पूरे देश में निकलते हैं, तो जब हमारा अन्नदाता के ऊपर हुआ है तो हमारी एक निजी जिम्मेवारी बनती है, हम खुद ही आंदोलन में ना आकर के गांव गांव जाकर के हमारी जो माँ और बहने इस दुनिया के इस आंदोलन से जो हिंदुस्तान की दूसरी आजादी की लड़ाई चल रही है उससे अनजान थी, पर इस 26 जनवरी के महाभारत ने इनको भी जागरूक किया और मुझे खुशी है इस बात की क्योंकि मैं हरियाणा के कल्चर से अच्छी तरह परिचित हूँ। मैं साथियों को बता दूं कि कनौरी में मैं अब रहती हूँ, मेरी साथी गांव अंधारा नैन खाप में है, तो इसलिए वो गांव के कल्चर को अच्छी तरह से समझते हो कि हरियाणा की महिलाओं के ऊपर कितनी जिम्मेवारियां हैं, बच्चे पालने हैं, पशु पालने हैं, खेत में जाना है, बुजुर्गों को भी देखना है, गोबर तक का काम चाहे 20 किले का जमींदार हो तो उसके घर की बहू बेटी भी गोबर तक पाथने का काम करती है, उनके लिए आंदोलन में आने के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है। और इस आंदोलन में जो हरियाणा की मातृ शक्ति का एक उफान आया है, लोग कहते थे पहले हमने जो सुना कि किसान सबसे कमेरा पंजाब का माना जाता था और महिला सबसे कमेरी हरियाणा की मानी जाती थी, बोलते थे अगर पंजाब का किसान और हरियाणा की महिला मिलके काम करें तो कहने के नहीं सच में सोने की चिड़िया दोबारा भारत बन सकता है। और अब इस आंदोलन में मेरी हरियाणा की मातृशक्ति ने पूरे विश्व में हरियाणा की बहु बेटियों का मान ऊंचा किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने फेसबुक पे देखा बतौला के नरवाड़ा के टोल प्लाजे पे घूंघट निकाल के हमारी एक बच्ची भाषण कर रही और उसके विचार वो अंतरराष्ट्रीय एजुकेशन से जुड़े। हमें फकर हुआ कि जिस दिन हमारी बहु बेटियां इस घूंघट से मुक्त हो जाएंगी तो उस दिन एक अलग से हर तस्वीर होगी बात करने की, तो मेरे बुजुर्गों को अपने आने वाली बहु बेटियों को इस घूंघट की मुक्ति का भी इनको देना चाहिए थापड़ा कि बेटी बेटी होती है उसमें घूंघट में छुपा और खोलने की कोई वो नहीं। उषा जी आपका एक बार पहले तो पूरा परिचय दीजिए, हमारे सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका परिचय क्या है? मैं उषा रानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर फेडरेशन और राष्ट्रीय सचिव सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, और मेरा असली परिचय है मैं किसान की बेटी हूँ, एक किसान परिवार की बहू और मैं एक आप महिला किसान हूँ। आप किसान हैं, आप इस आंदोलन को किस रूप में देख रही हैं, ये आंदोलन सही है या गलत है? ये आंदोलन बिल्कुल सही है, ये किसान आंदोलन आज जन आंदोलन बन चुका है और मैं इस जन आंदोलन के रूप से इसको देखती हूँ।
जन आंदोलन के रूप में आप इसको देख रहे हैं। जैसा कि पीछे कुछ समय के लिए सरकार ने इंटरनेट को बंद रखा और आज आप रोड जाम कर रहे हैं, इसमें तो दोनों में ही पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है, तो आप इसको कैसे कह रहे हैं आंदोलन सही है? पहली बात तो हम पब्लिक का कोई नुकसान नहीं कर रहे, हमारे संयुक्त मोर्चे ने क्लियर किया है कोई स्कूल की वैन नहीं रोकी जाएगी, कोई एम्बुलेंस की किसी भी तरह की गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। ये हम एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है, अपनी शक्ति दिखाने का संकेत है, तो इसको हम जनता का नुकसान किसी भी तरीके से नहीं ना ही किया है, क्योंकि जनता हमारी है और हम जनता के हैं, तो हम जनता का नुकसान कैसे कर सकते हैं? सर का बात रही इंटरनेट बंद करने की, 1947 में इंटरनेट नहीं था, जेपी का किसान आंदोलन में भी इंटरनेट नहीं था, एमरजेंसी में भी इंटरनेट नहीं था, जब भी आंदोलन लड़े और जीते। और इंटरनेट बंद करना मानव अधिकारों पे हमला है, ये मनुष्य के अधिकारों की, लोकतंत्र की हत्या है, और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले संविधान की बात करते हैं जो खुद रोज संविधान को तार तार करते हैं, तो इसलिए इनके इंटरनेट बंद करने से लोगों के दिलों के तार नहीं बंद हो सकते। जैसा कि आप कह रहे हैं अभी लोकतंत्र की हत्या है इंटरनेट को बंद करना, क्या किसी ने इसके ऊपर आवाज उठाई? आप कानून के ऊपर बोल रहे हैं तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे आप? इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई? कल हिंदुस्तान की राज्यसभा में इस पे आवाज उठी और बहुत सारे लोगों की मैंने ऑडियो वायरल हुई सुनी है, जिन्होंने एयरटेल वालों से बात किया कि आपने कितने, मैंने ऑडियो सुनी है वायरल हुई कि आप कितने दिन इसको एडवांस चलाएंगे, हमने पैसा आपको दिया है। और ये एक संकेत भी है हमारे लोगों के लिए, उदाहरण भी है, आज सरकार के प्राइवेट अदारे के बस में इंटरनेट है, सरकार ने बोल दिया बंद कर दिया। और जब ये हमारी APMC मंडियां, हमारे खाने, हमारे दाने प्राइवेट हाथ में आ जाएंगे, तो ये जब चाहेंगे हमारी रोटी भी बंद कर सकते हैं, तो इससे हमें एक सीख लेने की भी जरूरत है। जो ये 3 घंटे का चक्का जाम आप कर रहे हैं, क्या इससे सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा? ये आंदोलन के तरीके होते हैं, कभी रेल रोको, कभी सड़क रोको, कभी आंदोलन करो, 2 कदम आगे बढ़ो, 1 कदम पीछे रहो, तो ये आंदोलन का नियम है, क्यों नहीं असर पड़ेगा? हमारी 1947 के बीच में काटने हम, आप कह रहे हैं भाई आगे बढ़ो, चक्का जाम करने से तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप बताइए ना। अब आगे बढ़ना आंदोलन के तरीके में आगे बढ़ना, ना कि दिल्ली के अंदर जाके आगे बढ़ना। पब्लिक आगे आई है, पब्लिक की गिनती बढ़ी है। 1942 का असहयोग आंदोलन भी पैदल यात्रा में था, शांति था, और वो जीत तक हिंदुस्तान की आजादी में बदला कि नहीं? आपको विश्वास है कि सरकार आपके आगे झुकेगी? 100% हम सरकार के झुकाने की बात नहीं करें, हम अपने अधिकार मनवाने की बात करें। हमारा मतलब सरकार को झुकाना नहीं, हमारा मतलब काले कानून वापस कराने से। अब ऐसा है, लोगों की, जनता की आवाज ये आ रही है भाई आप हलवा खाना चाह रहे हैं और सरकार खीर परोस रही है, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? सरकार खीर नहीं परोस रही, जहर परोस रही है, हमारे डेथ के वारंट है ये। और मौत और जिंदगी के बीच में एक ही फैसला होता है, या तो मौत होती है या तो जिंदा रहता है, तो इसलिए खीर और हलवे का मतलब ही कोई नहीं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपका।